नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। राजस्थान में जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सीएम अशोक गहलोत की ओर से महंगाई राहत शिविर का उद्घाटन किया गया और खबरों की माने तो प्रदेश भर के अंदर इस तरह के करीब 1800 कैंप लगाए गए जिसकी संख्या अगले कुछ दिनों में बढ़ाकर 2700 की जाएगी और इस शिविर के माध्यम से लोगों को मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर वितरित किया जाएगा। निःशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी और निःशुल्क बिजली योजना के तहत 2000 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी और रोजगार गारंटी के तहत 100 कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवार को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार जैसी सुविधाएं भी दी जानी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज होती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया और सॉन्ग में सपा के ऊपर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है और इस सॉन्ग की मेन थीम गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए दी गई है और इस वीडियो में माफिया अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को दिखाया गया और साथ ही समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे और दुष्कर्म के आरोपी गायत्री प्रजापति को भी दिखाया गया है। हजारीपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम के अंदर लोजपा रामविलास की पूर्व विधायक की ओर से दिए गए एक बयान पर अब लोजपा ने RLJP यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पर निशाना साधा है। दरअसल कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक अत्युआनंद सिंह की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ कुछ बयान दिए गए थे जिस पर निशाना साधते हुए RLJP ने लोजपा रामविलास और चिराग पासवान की निंदा की है और भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान से सावधान रहने की सलाह दी है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव कार्यक्रम में चिराग पासवान जी के पार्टी के पूर्व विधायक ने देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के बारे में जिस तरीके से जो शब्दों का प्रयोग किया वह घोर आपत्तिजनक है। इससे इनकी मंशा जाहिर होती है कि किस तरीके से ब्लैकमेल की राजनीति चिराग पासवान की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ करना चाहती है। खबर बिहार के औरंगाबाद से आ रही है। औरंगाबाद जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध सौर तीर्थ स्थल देव के अंदर सूर्य महायज्ञ आरंभ हो गया है और इससे पहले भव्य शोभा कलश यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भाग लिया है और इस दौरान श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने सूर्योदय और भगवान श्री राम के जयकारे लगाए हैं और आपको बताएं कि ये महायज्ञ 7 दिन तक चलेगा। कलश यात्रा में हम शामिल हुए थे और प्रसाद वितरण के समय में हम प्रसाद लेने गए, उसी समय पता नहीं कब कट गया। उसके बाद हम जब शरबत पीने गए तो देखने लगे कि मेरा गला में नहीं है। क्या नहीं है? मंगलसूत्र नहीं है, काला मोती में जो मंगलसूत्र था मंगलसूत्र में दम अंदर घुसा के रखे थे, फिर भी कट गया। कलश यात्रा में आए थे नीलाजनापुर से चट्टी नीलाजनापुर और यहाँ देव कलश यात्रा में प्रसाद वितरण करने वाला मेरा मंगलसूत्र काट लिया गया। ढोलना चौकी कौन काटा? ढोलना चौकी पता नहीं चला। यात्रा में कलश उठाने आए थे प्रसाद के लिए, ग्रहण किए गए, जितिया काट लिया। कितना का था? 12,000 के। कौन काटा? उनका लॉकेट लगा हुआ था। कितना का था? टोटल 65,000 का। आप कहाँ आए थे? कहाँ पे थे? बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में एक DMCH ने एक 1.5 साल के बच्चे के चोरी होने का मामला निकलकर सामने आया है और बच्चों के परिजनों ने चोरी को एक अज्ञात महिला पर चोरी का आरोप लगाया। खबरों की माने तो बच्चे की मां इलाज कराने के लिए अस्पताल आई हुई थी और इसी बीच बच्चे को ऑफिस के बाहर ही बेंच पर बैठा दिया था। इस दौरान वहीं पर एक महिला भी मौजूद थी लेकिन बच्चे की माँ जब बाहर आई तो बच्चा और महिला दोनों ही वहां से गायब थे। इस घटना के बाद बच्चे के परिजनों ने कोराम मचते हुए पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस आगे की CCTV फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। एक बच्चा गायब हो गया है, 1 साल 4 महीने का बच्चा था और एक लेडीज थी, लाल कपड़ा पहनी हुई थी और वो एक लड़की बच्चा में ही उसी साइज का बच्चा एक और रखी हुई थी। अच्छा। और एक बच्चा से कुरकुरा खिलाने के बहाना से बाहर लेके गई है और जब मेरा बच्चा उसको रखा हुआ था उसको क्या किया, बोला ठंडा लेकर आओ रोड पे, मेन रोड पे जाके, और वो ठंडा लेने के लिए भेज दिया, वो बच्चा को लेके भाग गया है। खबर बिहार के नालंदा से है। नालंदा जिले के पहाड़पुर इलाके के अंदर बम ब्लास्ट के बाद शहर की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया। अर्धसैनिक बल और रेफ के जवान सड़कों पर मार्च कर असामाजिक के तत्वों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं और जिला प्रशासन ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है और सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।
बिहार में नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय इन दिनों काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है और विद्यालय में बार बालाओं ने अश्लील डांस भी किया, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और अब स्कूल प्रशासन पर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। उनकी अनुमति के बिना विद्यालय प्रशासन ने इसकी इजाजत आखिर दी तो फिर कैसे दी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।